हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय टेकिंग किसान यूट्यूब चैनल। सो फाइनली जैसे ना वीवो कंपनी का वीवो टी टू एक्स 5G मॉडल का मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो आप सभी के लिए एक अच्छा गुड न्यूज है। और जो गुड न्यूज है वो ये कि फाइनली उस वीवो कंपनी का वीवो टी टू एक्स 5G मॉडल का मोबाइल फोन के अंदर आ चुका है न्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद आप लोग क्या क्या न्यू फीचर देखने मिलेगा, वो सारी सारी डिटेल्स मैं आप लोग को आज की इस वीडियो के अंदर एंड न्यू सॉफ्टवेयर को अपडेट करके मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर, वो भी लाइव ग्रुप के साथ। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो कहाँ पर भी स्किप नहीं करना है, अगर वीडियो को एक सेकंड भी स्किप कर देंगे तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को छोटा सा एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर दिया। दोस्तों फाइनल आ चुका है मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर। एंड मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आने के बाद सबसे मोबाइल फोन का सेटिंग से सीरीज को ओपन कर लीजिए। एंड यहाँ पे सिंपली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स। एंड सीरीज को ओपन करने के बाद सिंपली आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे की तरफ, आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। एंड अभी यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम अपडेट वाला ऑप्शन, एंड सिस्टम अपडेट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। एंड देन अभी आप लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाला फाइनली एक ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो अभी आप लोग को इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए उसके ऊपर आप लोग को एक बार क्लिक करना पड़ेगा। तो सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाला ऑप्शन के सिंपली एक बार क्लिक कर दीजिए। अभी आप देख सकते हो कंटिन्यू डाउनलोडिंग। ठीक है, ये आपका मतलब एक रिमाइंडर आ चुका है कि आपका मोबाइल फोन का डाटा यूज़ करना चाहते हैं या फिर दूसरा कोई डाटा। तो मैंने मोबाइल फोन का डाटा यूज़ करना चाहते थे इसलिए कंटिन्यू किया। तो दोस्तों अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते खत्म होने वाला है। अभी यहाँ पर देखिए 95%, 97 एंड 99 एंड 100 फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपका फाइल वेरीफाई हो रहा है, मतलब जो अभी अभी आपका फाइल डाउनलोड किया हो, ठीक है, वो वेरीफाई हो रहा है, मतलब वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है। और वेरीफाई कंप्लीट होने के बाद आपका जो फोन है वो यहाँ पर रिबूट होने वाला है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं फोन आपका ऑटोमेटिक बंद हो चुका है और फिर से ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आप लोग का यहाँ पर बटन प्रेस करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका फोन ऑन हो जाएगा। अभी आप देख सकते वीवो 5G आ चुका है। एंड वीवो 5G आने के बाद आप लोगों के सामने मैनुअली जो फाइल अभी अभी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का फाइल डाउनलोड किया हो वो अपडेट होने वाला है। अभी आप देख सकते हैं अपडेट होना शुरू हो चुका है। अभी आप देखिए इंस्टॉलिंग अपग्रेड पैकेज, डो नॉट टच द डिवाइस बटन्स, व्हेन फिनिश ऑल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड, वेट अंटिल द डिवाइस इज स्टार्ट। तो ये बोला कि जब तक आपका जो फाइल है वो अपडेट कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप लोग का फोन का जो बटन है वो प्रेस नहीं करने के लिए बता रहा है। यहाँ पर आपका जो भी पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन, ये आप लोग को प्रेस नहीं करना है क्योंकि ये अपडेटिंग टाइम है। ठीक है, इन्हें आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो इसलिए आप लोग कोई भी बटन प्रेस नहीं करने के लिए बता रहा है। ये जो आपका ब्लू लाइन देखने मिल रहा है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा होने के बाद आपका फोन फिर से यहाँ पे रिस्टार्ट होने वाला है, उसके बाद फाइनल आपका फोन अपडेट कंप्लीट होने के बाद ऑन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिनट यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग बताया था हूँ। आप जब भी कोई भी आपका स्मार्टफोन हो या फिर आपका दूसरा कोई भी डिवाइस हो, जो भी आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिवाइस होता है उसके अंदर जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपडेट करने से पहले आप लोग को आपका डिवाइस को चार्ज है, लाइक आपका मोबाइल फोन हो या फिर दूसरा कोई भी डिवाइस हो, उसको चार्ज है, वो चार्ज को सबसे पहले फुल कर लीजिए। मिनिमम आप लोगों को यहाँ पर 60% या फिर 70% से ऊपर आप लोगों ने सबसे पहले चार्ज कर लीजिए। हो सके तो फुल चार्ज कर लीजिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के टाइम किसी भी तरह का फोन बंद हो जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर देखिए आपके ब्लू लाइन वो कंप्लीट हो रहा है एंड कंप्लीट हो जाएगा। अभी ब्लू लाइन कंप्लीट होने के बाद आपका जो फोन है वो फिर से यहाँ पर रिबूट होने वाला है, यानी बंद होकर ऑन होने वाला है। देखिए यहाँ पर फोन बंद हो चुका है और फोन बंद होने के बाद फिर से यहाँ पर बूट होगा। देखिए फाइनली यहाँ पर ऑन हो रहा है, वीवो 5G आ चुका है। ये सारे के सारे ऑटोमेटिक होगा, मतलब एक बार आपका फाइल डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद मतलब सारे के सारे काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप लोगों को खुद करने का जरूरत नहीं है। टोटल आपका अपडेट हो जाएगा और फोन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और ये अपडेट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर का अपडेट करने के बाद क्या क्या न्यू फीचर देखने को मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। फोन अभी आपका ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हैं ऑप्टिमाइजिंग एप्स, आपका फोन के अंदर जितने सारे एप्लीकेशन है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो 113 यानी 113 जो एप्लीकेशन है वो मौजूद है आपका फोन के अंदर। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली आपका जो फोन है वो अभी ऑन हो जाएगा। देखिए फाइनली जो फोन है वो ऑन हो चुका है। अभी मैं आप लोग सामने उसका लॉक अनलॉक करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो अपडेट है वो कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है और क्या क्या न्यू फीचर देखने मिलेगा। जाऊँगा डायरेक्टली सीरीज के अंदर एंड सीरीज के अंदर जाने के बाद सिंपली सिस्टम अपडेट देखिए यहाँ पर द सिस्टम इज ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्सन और फाइल का वर्सन देख सकते हैं 14.1.10.17। तो अभी क्या क्या न्यू फीचर देखने मिलेगा वो मैं आप लोग बताया था हूँ। सिंपली उसके ऊपर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट लॉक, ये देख सकते सिस्टम एंड यहाँ पर देख सकते रिमूव्ड स्मार्ट साइड वर्स बैकग्राउंड वीडियो लिस्टनिंग एंड कैपेबिलिटी। आपका साइट के अंदर जो आप लोग को ये जो फीचर देखने मिलता है ना, ये जो फीचर मैं आप लोग दिखा रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ अपग्रेड किया गया है, मतलब अपडेट किया गया है, इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर ऐड किया गया है। ये सबसे पहला आपका चेंजेस दिखने मिलेगा। ओके, एंड दूसरा जो है वो यहाँ पर देख सकते अपडेट टू द May 2024 गोल्ड सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। सेकेंड जो फीचर है वो ये कि आपका फोन का जो सिक्योरिटी है ना वो और भी हाई किया गया है एंड अच्छा किया गया है। ओके,
मतलब अगर आपका फ़ोन को मतलब फ़ोन के अंदर कोई भी वायरस वगैरह आता रहता है, ठीक है, कोई भी हैकिंग करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर आपका फ़ोन ऑटोमेटिक डिलीट कर लेगा और उसको डिलीट कर देगा। ओके, तो जो तीसरा अपडेट वो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी फॉर ए बेटर यूजर एक्सपीरियंस फिक्स्ड ओकेशनल इशू ऑफ एबनॉर्मल पावर कंजप्शन इन स्टैंड बाय मोड। आपका फ़ोन जब यहाँ पर बंद रहता है या फिर हमें यूज़ करते हो, ठीक है, तो उस बंद होने के बाद आपका फ़ोन के अंदर जो भी बैकग्राउंड डाटा यहाँ पे चलता रहता है या फिर आपका जो भी बैटरी यूज होता रहता है ना, तो वो इस तरीके से मतलब आपका जो बैटरी का जो कंजप्शन है वो इतना बैटरी आपका मतलब यूज़ नहीं होगा और आपका जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा देगा। ठीक है, तो अभी सबसे लास्ट में जो अपडेट वो ये देख सकते हैं, फिक्स द इशू हेयर द सिस्टम लैंग्वेज चेंज डज नॉट टेक इफेक्ट ऑन सम ऐप इंटरफेस। ये सबसे लास्ट के अंदर जो आप लोग को जो फीचर है वो ये देखने मिलेगा कि आपका फ़ोन के अंदर जितने सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आप लोग को जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज का कोई भी हमें फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर और एक कुछ अपडेट है जो कि एप्लीकेशन के ऊपर, ये देख सकते हैं, ऐप्स ऑप्टिमाइज थर्ड पार्टी ऐप कंपैटिबिलिटी टू फिक्स द ओकेशनल इशू हैर सम ऐप्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। उसका मतलब ये कि आपका फ़ोन के अंदर जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है वो जो कि आपका मतलब वो ऐप अच्छे तरीके से सही तरीके से काम नहीं करता है, तो वहाँ पर इस तरीके से जो भी आपका प्रॉब्लम देखने मिलता था तो वो अभी इस सॉफ्टवेयर का अपडेट करने के बाद वो प्रॉब्लम देखने के नहीं मिलेगा। ओके, तो ये था कुछ न्यू अपडेट, तो आई होप आप लोग सबको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ना अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आप लोग को सबको समझ में आ चुका होगा। कोई भी सवाल है जो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो एंड वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो फिर नीचे सब्सक्राइब कर बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा उस वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा। सो चला आज के लिए इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ, तक तो ले जय हिंद, धन्यवाद।